F5 जो है वो इंडिया में बहुत ही जल्दी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। कब तक ये इंडिया के अंदर यहाँ पर लॉन्च होगा इसकी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्राइसिंग क्या रहेगी पोको F5 की एंड स्पेसिफिकेशन क्या रहने हैं इस बार F5 के, क्योंकि F5 जो है इस बार जो है अभी तक कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही इसका जो रिब्रांडेड वर्जन है वो भी कहीं भी यहाँ पर नहीं लॉन्च हुआ है। सब इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर रहने वाले, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले डिजाइन से, तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर डॉल्बी विजन वगैरह का भी सपोर्ट आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो ये कुछ आपको रहने वाला है। और डिस्प्ले के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो डिस्प्ले काफी यहाँ पर बढ़िया रहने वाले हैं, जो कि हमेशा स्टैंडर्ड इनका जो साइज है ना 6.67 इंच वाला, वही सब चीज यहाँ पर रहने वाली है। तो डिस्प्ले काफी यहाँ पर बढ़िया रहेगी। बैक डिजाइन जो है यहाँ पर आपको ग्लास बैक डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और इस बार कहा जा रहा है कि जो इसके जो फ्रेम्स वगैरह है वो हमें मेटल के देखने को मिल सकते हैं। अभी लीक्स बता रहे हैं कि इसके जो फ्रेम्स होंगे वो मेटल्स वाले होंगे। अब देखते हैं मेटल्स वाले रहते हैं कि प्लास्टिक वाले फ्रेम्स रहते हैं, बस जो पीछे वाला जो बैक पैनल है वो ग्लास का यहाँ पर कहा गया है, और ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है। और इसके बाद जब हम यहाँ पर बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर काफी ज्यादा यहाँ पर मस्त रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 के साथ जो ये स्मार्टफोन यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2, और ये इंडिया का पहला ही स्मार्टफोन हो जाएगा जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 यहाँ पर रहने वाला है। और इसकी जो एंटीटू स्कोर है ना, 1 मिलियन तक एंटीटू स्कोर यहाँ पर आता है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 का, और ये अभी कुछ दिन पहले इस प्रोसेसर को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो प्रोसेसर काफी ज्यादा यहाँ पर तगड़ा रहने वाला है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के बराबरी की परफॉर्मेंस आप सभी को ये निकाल के देगा, तो काफी अच्छा खासा ये प्रोसेसर यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको बैक के अंदर जो है कहा जा रहा है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का वो फालतू का कैमरा रहने वाला है। फ्रंट में 16 की आपको सेल्फी देखने को मिली जाएगी। बात करें यहाँ पर ओएस की, तो आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14 बेस्ड Android 13 के ऊपर स्मार्टफोन को यहाँ पर इंडिया में रिलीज करा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, MIUI 14 Android 13 के साथ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। एक्स्ट्रा फीचर की अगर मैं बात करूँ तो टाइप सी का पोर्ट रहने वाला है। एक्स्ट्रा फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स रहेगा विद डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के साथ, आईआर ब्लास्टर नॉइज कैंसिलेशन माइक, ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इवन यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो इन डिस्प्ले ये लोग देने वाले नहीं है, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही यहाँ पर देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन के अंदर। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 5500 mAh की बैटरी एंड 67 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो बैटरी भी काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी इस पर देने की बात कर रहे हैं कि 5500 mAh की बैटरी एंड 67 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट, और ये कॉम्बिनेशन बैटरी का और चार्जिंग का काफी बढ़िया मुझे लगा यहाँ पर। LPDDR5 RAM एंड UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और बेस वेरिएंट आप सभी को कहा जा रहा है कि 8128 के साथ यहाँ पर आ सकता है, बट प्राइस को दिखाने के लिए लोग 6128 भी ला सकते हैं, बट 6128 लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि प्रोसेसर इतना तगड़ा है। मैं तो कहूँगा कि मिनिमम 828 वाला यहाँ पर आना चाहिए और उसी से बेस वेरियंट यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि असली मजा जो है Snapdragon+ Gen 2 का जो है वो 828 वाले वेरियंट के यहाँ पर देखने को मिलेगा, 6 GB RAM में उतना मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर कंपनी जो है लगभग 128 के साथ जो ये स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग क्या रहेगी इंडिया लॉन्च किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो लिस्टर है उन्होंने कंफर्म किया है कि यहाँ पर जो स्मार्टफोन इंडिया में 6 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है। और एक और भी मैं चीज बताती हूँ, जिस स्मार्टफोन का रीब्रांड रहने वाला है Redmi Note 12 Turbo। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 12 Turbo जो है वो यहाँ पर चाइना में लॉन्च होने वाला है। वो जो है 27 मार्च तक कहा गया है कि लॉन्च कर दिया जाएगा चाइना के अंदर, तो 27 मार्च तक अगर वो चाइना में लॉन्च होता है तो 6 अप्रैल तक जो है इसको ये लोग इंडिया के अंदर भी लॉन्च कर देंगे पोको F5 बना के। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सोच रहे थे कि स्मार्टफोन इंडिया में Redmi के नाम से ज्यादा या Redmi K60i बन के आ जाता तो ज्यादा मजा रहता, पर पोको वाले इसको रीब्रांड करके यहाँ पर लेके आने वाले हैं, और पोको का स्मार्टफोन है रीब्रांड हो रहा है, और इस बार तो पोको ने सभी फोन में MIUI 11 भी देना स्टार्ट किया, तो इसके अंदर भी MIUI का 11 यहाँ पर जरूर मिलेगा। अब वही एक बड़ा फीचर बन गया, क्या किया जा सकता है। बट यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ये स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है आप सभी को 30,000 से ऊपर देखने को मिलने वाली है, 30,000 के नीचे नहीं आ पाएगी इस बार प्राइसिंग। लास्ट टाइम पोको F4 30,000 से नीचे स्टार्टिंग हुई थी, इस बार 30,000 से ऊपर स्टार्टिंग होने वाली है यहाँ पर पोको F5 5G की। जी हाँ दोस्तों, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो कैसे लगे स्पेसिफिकेशन वगैरह आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। स्पेसिफिकेशन काफी यहाँ पर बढ़िया है, बट रेडमी में आता K60i बना के ले आते हैं तो ज़्यादा यहाँ पर मजा आता है, क्योंकि उसमें सिस्टम लॉन्चर वगैरह मिल जाता है तो ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो पोको लॉन्चर में थोड़े बहुत तो फीचर्स का कॉम्प्रोमाइज रहता ही है। बाकी आपको क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन के बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।